मध्य प्रदेश आदिवासी बाहुल्य जिले झाबुआ में निकलने वाला दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे स्थानीय ग्रामीणों के लिए गले की हड्डी बनता नजर आ रहा है। आदिवासी लोगों ने सरकार के खिलाफ मुआवजे को लेकर मोर्चा खोल दिया है। करीब 20 से अधिक गांव के बाशिंदे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे बनने के चलते सरकार द्वारा अधिग्रहित की गई भूमि के एवज में मुआवजे के लिए दर दर भटक रहे हैं। आदिवासियों ने इंदौर में एक प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया से कहा कि इनका काम दिल्ली से मुंबई तक सुपर हाईवे 8 लाइन एक्सप्रेस बनाना है। सड़क की चौड़ाई 100 मीटर रहेगी तो वहीं आदिवासी अंचल झाबुआ जिले से भी करीब 48 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे प्रस्तावित है, जबकि झाबुआ जिले में सड़क के लिए थांदला मेघ नगर तहसील के 21 गांव की जमीन अधिग्रहित की गई है। जिले में चौकवाड़ा, देव तैलाई, आमली व ढलीपाड़ा, भामल, दौलत, दौलतपुरा सहित विभिन्न गांव से होकर यह एक्सप्रेस वे गुजरेगा। इन गांवों की लगभग 1517 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित सरकार द्वारा की गई है। ऐसे में पीड़ित ग्रामीणों का कहना है कि उनकी जमीनों के एवज में उन्हें उचित मुआवजा दिलाया जाए, नहीं तो वह सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन कर सकते हैं। तो है उनकी, लेकिन जमीन की पट्टी नहीं करके शासन ने उन्हें 7 दिन के अंदर दखल करने का आदेश जारी किया और उनकी खेती की जमीन के साथ हुआ है और फलदार पौधे हैं उनका मुआवजा भी नहीं दे रहे। और हमारी मांग ये है कि शासन प्रशासन का आदेश करे कि उन प्रभावित परिवार को पट्टे अलाट करें और पट्टे अलाट करने के साथ ही उनको उचित मुआवजा दिया जाए और पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। ये जहाँ से एक्सप्रेस वे निकल रहा है सभी यहाँ पर आदिवासियों के ही पूरे आदिवासी क्षेत्र है, पूरा जनजाति क्षेत्र होने के साथ ही वो झाबुआ जिला अनुसूचित 5वें अनुसूचित में आता है। मतलब कि सिविल एरिया है, उस सिविल एरिया में मालिकाना हक आदिवासी का होता है, तो उस आदिवासियों का हक मिलना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे आप सरकार के लिए? सरकार से हम यही मांग करते हैं कि उन जनजाति क्षेत्र को प्रभावित क्षेत्र किसान है उनको पहले जमीन के पट्टे अलाट किए जाए और उसके साथ ही उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाए और उचित मुआवजा दिया जाए। हमारे झाबुआ जिले से निकल रहा है थांदला मेघनगर, 2 तहसीलों के 22 गांव प्रभावित हो रहे हैं। उनके छोटे किसानों को अभी कई पीढ़ियों से वहां रह रहे थे, आज़ादी के पूर्व से भी रह रहे हैं, उन लोगों को किसी प्रकार का मुआवजा नहीं दे रहे हैं और उनको वहां से बेदखल किया जा रहा है। तो हमारी मांग ये है कि उन किसानों को उचित न्याय सरकार दे, मुआवजा दे और जमीन के बदले जमीन देकर उनको विस्थापित किया जाए। बेदखल करने के पहले उनको न्याय देना चाहिए। इस मांगों को लेकर लगातार जन आंदोलन हम लोग कर रहे हैं। एक्सप्रेस वे निकल रहा है आपको किस तरह का नोटिस वगैरह पहले भी जानकारी? पहले कोई नोटिस नहीं दिया है और ठेकेदार के लोगों ने आके उसको गांव-गांव घूमते वहां से जहां रोड निकल रहा है उसका सर्वे किया। प्रशासनिक अधिकारी वहां नहीं पहुंचे मौके पे। अभी भी कई गांव में प्रशासनिक अधिकारी नहीं गए। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि विधायक वगैरह क्या कह रहे हैं? क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि विधायक वगैरह भी कह रहे हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, ये सरकारी जमीन है। लेकिन कई पीढ़ियों से हमारे रहे, सबसे पहले सरकार ने पट्टे देना चाहिए उनको। बाकी जिलों में पट्टे मिल गए हैं, झाबुआ जिला पट्टे से वंचित रहा है पूरा जिला, और उसी का परिणाम समाज को भुगतना पड़ रहा है।